नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लौटे हैं बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें लेकर। तो पहली खबर है, दीपिका पादुकोण ने फिल्म छपाक का फर्स्ट लुक किया शेयर, वायरल हुई हर जगह तस्वीरें। इरफान की हिंदी मीडियम का सीक्वल, नए टाइटल, निर्देशक के साथ आएगी फिल्म। ट्रेलर रिलीज होते ही ट्रोल हुई पीएम नरेंद्र मोदी, कहीं उल्टा ना पड़ जाए दाव। सलमान खान के फैंस के लिए खुशखबरी, भारत के ट्रेलर की रिलीज डेट तय हो गई है। शबाना आजमी ने पीएम मोदी की बायोपिक टीम पर उठाए सवाल और बोली, लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है। केसरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में पहले वीकेंड पर करीब 80 करोड़ की कमाई हो चुकी है। रोहित शेट्टी के सूर्यवंशी में अक्षय कुमार के साथ दिखेंगी कैटरीना कैफ। मीटू मूवमेंट पर बोली कल्कि, पहले से ही ज्यादा जागरूक हैं अब लोग। बाहुबली में काम करने के बाद तमन्ना भाटिया में आया थोड़ा सा बदलाव, खुद किया खुलासा। मीटू मूवमेंट पर बोली रिया कपूर, पहले से कई ज्यादा सशक्त हैं महिलाएं। कंगना को मणिकर्णिका के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की उम्मीद, बोली कहीं नहीं मिला तो विश्वसनीयता पर उठेंगे सवाल। खेल से भी तेज भागते सपनों की कहानी में रेलवे राजू 29 मार्च को हो रही रिलीज। लोकसभा चुनाव 2019, लड़कियों पर कमेंट करने के चलते मार खा चुके स्वामी ओम लड़ेंगे चुनाव। सिंघम के बाद आईएफ के जांबाज बनेंगे अजय देवगन, स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होगी फिल्म। एक्शन राधा रवि ने नयनतारा के खिलाफ की अपमानजनक टिप्पणी, डीएमके ने किया अस्थायी रूप से निलंबित। एमएनएस में की धमकी, महाराष्ट्र में नहीं रिलीज होने देंगे पीएम नरेंद्र मोदी की फिल्म। पत्नी के बर्थडे पर अनिल कपूर ने शेयर की 35 साल पुरानी तस्वीर, बेटी बोली मेरे पास शब्द नहीं। कांग्रेस में शामिल नहीं हुई सपना चौधरी, खुद किया इंकार। कंगना बनी देश की पहली हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, जयललिता की बायोपिक के लिए मिलेंगे 24 करोड़ रुपए। अजय देवगन की तानाजी की रिलीज डेट बदली, 11 साल बाद बीवी काजोल के साथ आएंगे नजर। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी बड़ी खबरें। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।